कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में कहर बरपा रखा है। ऐसे में होली के त्योहार पर नांदेड़ में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देना पुलिस को महंगा पड़ गया है। यहां गुरुद्वारे में जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। बता दें कि हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तलवारें लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। दरअसल नांदेड़ में सचखंड हजूर साहब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई थी। अत्यधिक भीड़ जमा नहीं हो, इसलिए गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग इससे भड़क गए और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर तलवारों से हमला कर दिया। इस मामले पर नांदेड़ के SP ने कहा है कि COVID-19 के चलते होला मोहल्ला के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। गुरुद्वारा कमेटी को इस बारे में बता दिया गया था और उनका कहना था कि वे इसे गुरुद्वारे के अंदर करेंगे, लेकिन शाम 4 बजे के करीब निशान साहब को गुरुद्वारे के गेट पर लाया गया और उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। 300 से 400 युवकों ने गेट तोड़ दिया और मार्च करने लगे। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। सोमवार को होला मोहल्ला का आयोजन करने के लिए सैकड़ों लोग नांदेड़ के एक गुरुद्वारा परिसर में जुटे थे। इनमें कई महिलाएं भी थी। जब पुलिस द्वारा इन लोगों को रोका गया तो वे भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। बता दें कि दोपहर तक गुरुद्वारे में सारे धार्मिक अनुष्ठान और होली शांतिपूर्वक मनाई गई थी, लेकिन होला मोहल्ला प्रतीकात्मक रूप से निकालते समय भारी भीड़ गुरुद्वारा परिसर में जमा हो गई। कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट के ताले तोड़ दिए, जिस वजह से जुलूस रास्ते पर आ गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल त्योहार में हुई हिंसा पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।